स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ हाई स्कूल पूरक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं सोशल साइंस का पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है 29 जून 2022 को, दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों यह 100% रियल पेपर है, ठीक है दोस्तों, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला। दोस्तों यहाँ पर पूरा परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए है। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है 29 जून 2022 को, ठीक है, कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये पेपर आपके एग्जाम में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। और दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर समय रहेगा 3 घंटे का, इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का, ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और दोस्तों इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, आप इन निर्देश को ध्यान में पढ़ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमको यहाँ पर निर्देश दिए, दोस्तों आप इन निर्देश को ध्यान में पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, दोस्तों हमारा सही विकल्प चुनकर लिखा है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पहला वाला हमारा दिया है, दोस्तों लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ये हमको बताना है। दोस्तों इसमें क्या है, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन छाट के लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4वां वाला जो हो जाएगा, ठीक है, अविनीकरण योग्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। दोस्तों मुख्य कारण क्या है हमको बताना है। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट के लिखना है। दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2वां वाला आ जाएगा, ठीक है, अधिक सिंचाई आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प दिया है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। दोस्तों कौन सी रबी की फसल है हमको बताना है। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा चावल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दावला दिया है, दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, ये हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट के लिखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, से ये इसमें आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर सीमेंट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला सही विकल्प दिया है, दोस्तों यहाँ पर हमारा हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो दोस्तों कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, ये हमको बताना है। दोस्तों यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया है, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट के लिखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 2वां वाला हो जाएगा, रेल परिवहन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 6ठा सही विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, दोस्तों लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। दोस्तों लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, यह हमको बताना है। दोस्तों यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन छाट कर लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ओडिशा आ जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दोस्तों यह आपके एग्जाम में 7 नंबर के खाली स्थान आने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर 7 खाली स्थान दिए हुए, इनको उत्तर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट टाइम मिल जाएंगे। तो ये आपके यहाँ पर 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिल इन द ब्लैंक से दिए दोस्तों यहाँ पर आपको 7 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से दिए है, ठीक है। इनको तो आपको आपकी बुक से लगा लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम में यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए, 1 शब्द या 1 वाक्य में आपको उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए, आंसर इन 1 वर्ड ऑफ सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तर देना दोस्तों 1 सेंटेंस में, मतलब 1 शब्द या 1 वाक्य में आपको उत्तर देना दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य लिखना है। दोस्तों ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के सत्य असत्य आने वाले। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमको यहाँ पर 6 सत्य असत्य दिए दोस्तों, इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका राइट
ट्रू और फाल्स देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पाँच में, चलते हैं क्वेश्चन पाँच। आपके एग्जाम में यहाँ पर छः नंबर क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए, सही जोड़ी बनाना है। आपको एक तरफ दोस्तों यहाँ पर आ दिया, एक तरफ दोस्तों यहाँ पर बा दिया है दोस्तों। आपको दोस्तों आपसे बा का मिलान करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस सही जोड़ी सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, लोकतंत्र क्या आ जाएगा दोस्तों, लोकतंत्र आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर बहुतों का शासन आ जाएगा, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों यहाँ पर नेल्सन मंडेला आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूर्व साक्षर राज्य कौन सा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केरल आ जाएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दोस्तों, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर तीन होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ई वाला देख लीजिए, मुद्रा का आधुनिक रूप दोस्तों, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या कहलाता है, करेंसी कहलाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर छः नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है। दो क्वेश्चन नंबर छः आपके एग्जाम में यहाँ पर दो दो नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हमारा संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ पर इसका अतो क्वेश्चन दिया दोस्तों हमारा, भारत में पाई जाने वाली कोई दो मिट्टियों के नाम लिखे। बहुत ईजी, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेवन दिया है। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, यह आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर पूछा दोस्तों आरक्षित वन किसे कहते हैं, या फिर इसका अतो वाला क्वेश्चन पूछा दोस्तों जैव विविधता क्या है। तो आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके एग्जाम में यहां पर दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको यहां पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ये बहुत सरल क्वेश्चन दोस्तों, आपको इनका उत्तर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है दोस्तों। यदि आपको, ठीक है, सामान्य विज्ञान में अच्छे नंबर लाना है और पास होना, तो इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके एग्जाम में यहां पर दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके एग्जाम में दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। जल्दी दोस्तों इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारा 13 क्वेश्चन दिया है। 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारा 14 क्वेश्चन दिया है। 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारा 15 क्वेश्चन दिया है। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। इनके उत्तर आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से याद कर लिए। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके एग्जाम में तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है। वो इनको तो आपको दोस्तों 75 शब्दों में लिखना है, 75 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, आपको दो क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके एग्जाम में तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया। 18 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन देख लिए। 19 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तीन क्वेश्चन आने वाला है, तीन नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में चार नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर समझ लीजिए, निम्नलिखित में को दिए गए भारत के मानचित्र को दर्शाइए। दोस्तों सबसे पहले आपको एग्जाम में एक भारत का नक्शा दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावलबाचा, आपको भारत के नक्शे में, ठीक है, ऐसा नमूने के तौर पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे ये भारत नक्शा दे दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावलबाचा को यहाँ पर भारत के नक्शे में दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर दिया दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसका अतो वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर समझ लीजिए। अतो क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर हमारा, अतो वाले क्वेश्चन में भी आपको, ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आपके यहाँ पर 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके एग्जाम में यहाँ पर चार नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ओके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन दिया है। 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम चार नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। बहुत सरल पेपर आया दोस्तों, ठीक है, इस पेपर को अच्छे से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन दिया है। 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम यहाँ पर चार नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, या फिर इसका अतो वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसका अतो वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। इस पेपर में टोटल
2023 मतलब दोस्तों 23 क्वेश्चन आने वाला है इस पेपर का। यहाँ पर पूर्णांक 80 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। और अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक का यहाँ पर आंसर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से याद कर लिए, ठीक है, आराम से कर लिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो के यहाँ पर आंसर दिए है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन के यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन के यहाँ पर आंसर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर के यहाँ पर आंसर दिया, सत्य सत्य आपको लिखना था, यहाँ पर दिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच के यहाँ पर आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर पाँच में आपको सही जोड़ी का मिलान करना था, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान दिया है, ठीक है, आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पेपर के भी कंप्लीट हो गया। और आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक से लेकर पाँच तक के आंसर भी बता दिए। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर छः से लेकर 23 तक के आंसर याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से याद कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस पेपर का पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और यदि किसी स्टूडेंट यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जब तक, ले जय हिंद, वंदे मातरम।